रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं 6450 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन काफ़ी समय से धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन 6300 का लेवल अभी भी टच नहीं कर पाई है। जो हमने करेक्शन पहले आती हुई देखी थी उसके बाद से देख रहे हैं 6400 के ऊपर है, लेकिन 6500 का लेवल टच नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में यहाँ से 6500 का भी लेवल देखने को मिलेगा? जिस हिसाब से देख रहे हैं कि विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और सोया खली की भी जो कीमतें हैं वो भी उछाल मार रही हैं। देखिए बिल्कुल अभी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से सोयाबीन में 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और अभी आज भी 6450 के आसपास है। हल्की फुल्की करेक्शन जरूर आज सुबह की कारोबारी सत्र में दिखा रहा है मार्केट, लेकिन विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है और उसका असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। इसी के चलते हमने देखा कि 6300 के आसपास जो सोयाबीन पिछले दो दिन पहले थी, अभी आज 6450 के आसपास देखने को मिल रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, 6450 के आसपास देखने को मिल रही है। तो अभी जनवरी वायदा जो है इसका ऊपर में एक्सपेक्टेड है। देखिए एक्सपायरी भी है, तो उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो 6400 से लेकर 6500 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है। 6480 तक तेजी पकड़े और वहां से एक करेक्शन आती हुई दिखाई दे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अब यहाँ पर बाजार सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजारों में एक्सपायरी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 6480 और 6500 का स्तर एक बार छू सकता है।